देखिए, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक चल रही थी और इसमें बिहार के तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष अपनी मन की बात रख रहे थे। गठबंधन में हमारी भूमिका क्या होगी, जिस तरीके से लोकसभा की टिकट हमें नहीं मिली, हमसे हमारा बंगला खाली कराया गया, एनडीए की बैठक में हमारी पूछ नहीं होती, इन तमाम विषयों पर सभी साथी दिल खोलकर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन चिराग पासवान का ये बेतुका बयान कि हम एनडीए गठबंधन में ही नहीं थे तो बाहर क्या जाएंगे, क्या एनडीए के प्रवक्ता हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान तय करेंगे कि पशुपति कुमार पारस क्या फैसला लेंगे? इस तरीके का हल्का बयान चिराग पासवान ही दे सकते हैं, हमें पूर्ण यकीन थी। बहुत जल्द 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस के दिन पशुपति कुमार पारस एनडीए में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इसका फैसला वो लेंगे। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान ये तय करेंगे कि हम गठबंधन में हैं अथवा नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का अगर कोई बयान आता तो हम लोग सोचते भी, चिराग पासवान को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ना उनके किसी बयान पर हम लोग रिएक्शन देना चाहते हैं। बहुत हल्का बयान इन दिनों चिराग पासवान के तरफ से आ रहा है।